हसन हसैया कार्यक्रम का मकसद था लोगों को ये बताना कि प्रसन्नता हर मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। हंसने और खुश रहने का शारीरिक और मानसिक रूप पर किस तरह असर पड़ता है ये भी कार्यक्रम में बताया गया। धार्मिक प्रस्तुतियों के अलावा कव्वाली के माध्यम से भी लोगों को हमेशा खुश रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति कव्वाली थी। इस प्रस्तुति में सतयुग दर्शन ट्रस्ट वसुंधरा के ही कव्वाली के माध्यम से लोगों को खुश रहने का संदेश दिया। कव्वाली ने ऐसा समा बांधा कि लोग परमानंद की अनुभूति करने लगे। इसके अलावा भी एक अन्य प्रस्तुति में गुड़गांव के कलाकारों ने एक विशेष प्रस्तुति का मंचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत जिस उद्देश्य के साथ हुई थी वो उद्देश्य कार्यक्रम के पहले चरण में पूरा होता दिखा। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के परमानंद की अनुभूति तक पहुंचते मुहिम रंग लाती नजर आई। आज जहां हंसने हंसाने के लिए टीवी पर द्व्यर्थी संवाद और शब्दों और भाषा से खिलवाड़ करके हंसी पैदा करने का व्यापार चलाया जा रहा है, वहां सतयुग दर्शन ट्रस्ट की हसन हसैया मुहिम सराहनीय है। जहां धार्मिक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसन्नता से परमानंद तक पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा किया गया, इसका पूरा श्रेय सतयुग दर्शन ट्रस्ट और ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी को जाता है। फरीदाबाद से कैमरामैन अखिल के साथ प्रदीप सिंह रावत, हरियाणा न्यूज। कहाँ कहाँ सज्जन खड़े हो सकते हैं तो वो मैडम आपको बता देंगे। रंजना जी, तो आपने खाना सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित हसन हसैया कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी कई परफॉर्मेंसेस हुई, जिनका उद्देश्य पहले की तरह ही रोना झुकना छोड़कर हंसो और हंसाओ रहा। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की शुरुआत खुशियां नित नवियां नाम के गीत से हुई। इस गीत पर ट्रस्ट के मार्गदर्शक सज्जन जी ने भी हिस्सा लिया।
इसके अलावा एक अन्य प्रस्तुति में सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भंगड़े की तान ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई थिरकने लगा। इसके अलावा भी एक अन्य प्रस्तुति में सभी कलाकार सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सजन जी के साथ थिरके। इस बीच हंसने के कुछ और पल भी मंच पर मौजूद श्री सजन जी ने लोगों को दिए और ताल से ताल मिलाकर आनंद से परमानंद पहुंचने का सिलसिला चलता रहा।
चौंकाने वाला, सतर्क करने वाला है। खबरदार खबरदार खबरदार। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति का शीर्षक था खबरदार खबरदार खबरदार। और इस गीत पर फरीदाबाद के ही बाल कलाकारों ने हिस्सा लिया और सबका मन मोह लिया। अगली प्रस्तुति में अंबाला के कलाकारों ने समा बांधा और जन जन तक अपना संदेश पहुंचाया कि हम हंस रहे हैं, तुम भी हंसो। कार्यक्रम में प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग भी आए थे और कलाकार भी। जालंधर से आए कलाकारों ने हम हंसे तुम हंसो गीत के माध्यम से हंसते रहने का संदेश दिया।